हरियम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बनाने जा रहे हैं मिट्टी की मूर्ति जो कि श्री कृष्ण भगवान जी की, तथा बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, पहले तो थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, और गोल कुछ इस प्रकार से बेल बेल करके गोल बना देंगे गोल शेप में, और उसको दोस्तों बेस बना लेंगे कुछ इस प्रकार से वहाँ पर प्रेस करके। बेस बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा और मिट्टी लेंगे। इसी को मिट्टी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से बेल बेल करके दोस्तों कॉयल बना लेंगे, लंबा कॉयल थोड़ा मोटा बना लेंगे। ये पैर के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो पैर बना लेंगे, मतलब उस कॉयल के ही दो भाग करके दोस्तों दो पैर बना लेंगे। दो पैर का स्ट्रक्चर ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना करके उसको दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। क्योंकि ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाना सीख रहे हैं दोस्तों, ये खड़ा होकर फ्लूट बजा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का मूर्ति बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों और एक छोटा सा लकड़ी लेंगे कृष्ण भगवान जी को खड़ा करने के लिए। देख सकते हो दोस्तों पीछे के साइड में कुछ इस प्रकार से लकड़ी को दे देंगे, और थोड़ा बहुत मिट्टी यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि वहाँ पे ज्वाइंट हो जाए अच्छे से। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके वहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे पैरों के साथ। ज्वाइंट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके दोस्तों धोती भी बना लेंगे, क्योंकि यह तो पैर के स्ट्रक्चर की तरह बनाए थे दोस्तों, जो कि इसी के ऊपर भी धोती बनाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा और भी मिट्टी ऐड कर देंगे पतला पतला स्लेब की तरह बना करके। ऐड करके दोस्तों वहाँ पे धोती की स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले धोती की स्ट्रक्चर बना देने के बाद अभी पेट के लिए दोस्तों थोड़ा ढेर सारा मिट्टी लेंगे कुछ इस टाइप से, और इसी प्रकार से बना देने के बाद इसी को पैरों के साथ ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके दोस्तों। इतना शरीर को बना देने के बाद अभी चेस्ट को बना रहे हैं दोस्तों। चेस्ट को बनाने के लिए वहाँ पे पेट के ऊपर में दोस्तों थोड़ा थोड़ा मिट्टी इस प्रकार से ऐड करना पड़ेगा। देख सकते हो इसी तरह दो तरफ की चेस्ट को बनाने के लिए दो थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना देंगे। बना देने के बाद दोस्तों थोड़ा पानी से वहाँ पर फिनिशिंग थोड़ा कर लेंगे। ये तो बस स्ट्रक्चर है दोस्तों, फिर सब कुछ बना देने के बाद और एक बार फिनिशिंग कर देंगे ताकि और भी सुंदर दिख सके। अभी दोस्तों जैसे पैर को बनाए तो उसी प्रकार से एक छोटा सा कॉयल बना के पतला सा कुछ इस प्रकार से वहाँ पे कमर बंधन बना लेंगे दोस्तों। दोस्तों जो कि कमर बंधन को डिज़ाइन करने का समय का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था, तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर दिखा नहीं पाया। अभी दोस्तों बना रहे हैं फिलहाल हाथों को। हाथों को बनाने के लिए दोस्तों जैसे पैर की बनाए थे उसी प्रकार से लंबा कॉयल बना लेंगे। कॉयल बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से बैंड कर देंगे थोड़ा थोड़ा जैसे हाथों के हिसाब से, और इतना बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा कॉयल बना करके उंगलियां भी बना लेंगे। बस इसी प्रकार से इजी स्टेप से ही बनाते जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से बने रहिएगा वीडियो में, और दोस्तों थोड़ा बहुत हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो। इसी प्रकार से दोस्तों और एक हाथ को भी बना लेंगे। बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक हाथ को जॉइंट कर देंगे दोस्तों शरीर के साथ कुछ इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके वहाँ पे जॉइंट कर देंगे इसी प्रकार से और एक हाथ को भी दोस्तों। देख सकते तो कुछ इस प्रकार से दोनों हाथों को जॉइंट कर देने के बाद इसी प्रकार से बंसी पकड़े होंगे श्री कृष्ण भगवान जी। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी थोड़ा सा मिट्टी और लेंगे, इसी को गर्दन बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से छोटा सा कॉयल बना लेंगे, तो इसी को हम नेकलेस बना लेंगे दोस्तों गले का हार। तो इसी प्रकार से वहाँ पे चिपका देने के बाद टूलिंग मदद से सिंपल सा डिज़ाइन बना लेंगे इसी प्रकार से। दोस्तों पूरे शरीर का तो बना चुके हैं, अभी बनाना बाकी है। तो बस फेस को ही, फेस को बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी लेंगे शरीर के अकॉर्डिंग के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हाथ से बेल देंगे। बेल बेल करके दोस्तों गोल शेप में बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना देने के बाद कॉयल लेंगे छोटा सा पतला सा कॉयल ले करके दोस्तों मुकुट के ऊपर जो कि बॉर्डर होता है उसी को बना लेंगे। बना देने के बाद ऊपर के साइड में थोड़ा और मिट्टी देंगे ताकि मुकुट की तरह ऊँचा हो सके। तो इतना बना देने के बाद दोस्तों ऊपर में और थोड़ा थोड़ा लड्डू की तरह गोल की तरह बना लेंगे मुकुट की तरह दिखने के लिए।
तो इसी प्रकार से दोस्तों थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी कर लेंगे मुकुट को सिंपल सा, इसी प्रकार से मिट्टी से गोल गोल शेप में बना देंगे और इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा टूल की मदद से सिंपल डिज़ाइन बना लेंगे। इतना मुकुट को बना देने के बाद दोस्तों अभी फेस को बनाने के लिए आपको आँख बनाने के जगहों पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा उंगली की मदद से या टूल की मदद से प्रेस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद गालों के जगहों पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे करके दोस्तों थोड़ा ऊंचा बना लेंगे ताकि वहाँ पर गाल की तरह अच्छे से दिख सके। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसी प्रकार से बना देंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं भी आप लोग को वीडियो के अंत में, तब तक वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, देखते रहिएगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी के मुकुट का पीछे का साइड का बैकग्राउंड की तरह होता है, उसी को बना देने के बाद अभी पैर बना देंगे। पूरे पैर को बना देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है। आपके आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों हमारा कृष्ण भगवान जी की फाइनल लुक।